और अब बात करेंगे थराली विधानसभा उपचुनाव की। तो बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी उम्मीदवार मुन्नी शाह के पक्ष में वोट डालने के लिए बीजेपी गांव गांव में प्रचार कर रही है। खुद मुख्यमंत्री ने भी यहां कमान संभाल रखी है और थराली विधानसभा के परखाल सोलडुंगरी समेत कई गांवों का भ्रमण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच में रखा और अपील की कि बीजेपी उम्मीदवार को ही जिताएं। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं मुन्नी शाह को कांग्रेस की तरफ से अनपढ़ कहे जाने वाले बयान पर मुन्नी शाह ने खुद पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने एक महिला का अपमान किया है और इसका खामियाजा उसे चुनाव में भुगतना होगा। कांग्रेस की हालत देश के लोगों ने ऐसी कर दी कि वो केवल आरोप ही लगा सकते हैं। आजकल तो उनकी हालत ऐसी होगी कि कहीं पर चौराहे पर अगर बाजा बज रहा है तो नाचने लगते हैं। उनकी हालत असमंजस में है, उनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और वो गांव गांव में जाकर के आज अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं, विकास के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस का जो इस तरह का जो आरोप है ये सिर्फ बौखलाहट है,